गई लंगर वाली सब्जी की तरह। तो भाई आज हम खेत में हल लगाने आ रखे हैं। यहाँ पे स्पेक देख सकते हो आप, थोड़ा और फुला। दोस्तों शाम के हो रहे 4:30 और शाम के लिए हम सब्जी के लिए आ रखे हैं खेत में। ये तो... हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज सुबह नाश्ते में बना रहा हूँ मैं आलू की सब्जी और रोटी। तो अभी मैं सब्जी बना रहा हूँ फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला डाल देता हूँ मैं, इसमें डाल देता मैं लाल मिर्च डाल देता हूँ मैं, टमाटर का पेस्ट, फिर मसाला डाल देता हूँ मैं, नमक, दोस्तों यहाँ पे मेरा आलू का मसाला बन चुका है। इसमें डाल देता हूँ मैं आलू और आलू का बनाऊंगा ना सब्जी रखे हुए। दोस्तों आलू डाल दे मैंने इसमें, ये हो गई लंगर वाली सब्जी की तरह। दोस्तों यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी, सब्जी बन चुकी है, आप देख सकते हो है ना सब्जी मजेदार। दोस्तों यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी है, हम नाश्ता करते हैं, आप भी करो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई खेतों में नीचे से पत्थर गिरे थे इसलिए आराम से हल लगाना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई को एक्सपीरियंस है, आराम आराम से लगा रहे हल। तो सारे लोग लगे हुए खेती बाड़ी पे और चाची कंच लगनो पुंगड़े पर काम कर। हाँ ठंडे में तुरंत खेत में हल लगाने आ रखे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे दीदी बड्डी चाची सब आ रखे। तो भाई हमारे घर में नल पे पानी नहीं आ रहा था, हम इसलिए पानी लगाने के लिए यहाँ पे आ रखे। तो भाई यहीं से हमारा घर का पानी जाता है, यही हमारा घर है, गांव की टैंक है ये, पानी का यहाँ से सप्लाई होता है। भाई साहब आ रखे हमारे साथ, भाई आ रखा, इसको पता है यहाँ का पानी के बारे में। तो भाई पता है तो भाई लगाएगा यहाँ से, पता नहीं कौन सा बंद कर रखा है यहाँ से वाल। भाई घनक और जंगल है, पानी यहाँ से सप्लाई होता है और इसको पता है यहाँ के पानी के बारे में, मुझे तो कुछ पता नहीं, यही बताएगा यही करेगा, मैं इसके साथ आ रखा हूँ। वैसे मुझे भी यहाँ के बारे में पता है पर वो दूसरे वाली टैंक। दोस्तों यहाँ पे पुराना टैंक है, यहाँ से पानी सप्लाई होता था। सोजल का बड़ा वाला भाई यहाँ पे आ रखा पानी लगाने के लिए आ रखा। यहाँ पे तुम्हारे घर पे पानी नहीं जा रहा तो यहाँ से मतलब भाई भी पानी के लिए आ रखा, इसको भी पानी से प्रॉब्लम है, इसके घर पे भी पानी नहीं जा रहा। मतलब गांव का पानी कहाँ से जाता है, यहाँ से नीचे जाता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारा पानी है पर हो सकता कहीं फॉल्ट हो रखा, नल नुल पता नहीं क्या हो रखा, कहीं वाल बंद कर रखा होगा शायद। तो भाई 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 छोटे भाई का सिक्स पैक देख सकते हो आप, थोड़ा और फुला। ओ भाई गजब यार। तो भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, हमारे गाँव का रहने वाला, सिक्स पैक निकाल रखे छोटे भाई ने। तो भाई यहाँ से लाइट जाती सीधा जहाँ हमारी भैंस रहती जंगल में, उस तरफ ये वाली लाइन जा रही। देखो हम पानी लगा गए, मौसम बड़ा झकास हो रहा है। यहाँ पे हमारा छोटा भाई सूरज और छोटा वाले का नाम क्या है, मयंक। मयंक का सिक्स पैक दिखाया मयंक ने आज। तो भाई साहब देखने लायक बात है, ये भी हमारा उत्तराखंड के जंगल में एक छोटा सा टार्जन है। दोस्तों यहाँ पे मधुमक्खी शहद का काम आते हैं, ये जब यहाँ पे गाँव में फ्री में मिल जाता शहद, जब अगर जिसके घर में मधुमक्खी हो तो शहद की कमी नहीं होती यहाँ पे। तो भाई आसमान एकदम खराब हो गया, यहाँ पे बारिश होने वाली थोड़ी देर में। भाई साहब देख सकते हो आप यहाँ पे मौसम खराब हो चुका है, बादल एकदम मौसम खराब हो चुका। मैं भी घर चलता हूँ अब, देख लो मौसम खराब हो गया, अब बारिश होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं जिस रास्ते पे हूँ, इस रास्ते का नाम है पैरी, तो पैरी वाले रास्ते पे हूँ। तो पहले यहाँ पे साफ सुथरा था, आजकल इतना जंगल हो रखा, देख लो रास्ता पूरा जाम हो रखा, दिन में अकेले यहाँ पे जाने में बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों अभी जहाँ पे मैं हूँ घनघोर जंगल है, तो मैं वहाँ से वहाँ पे बैल थे हल लगा रहे थे, तो वहाँ से मैं अब घर जा रहा हूँ घर की तरफ। तो आप देख सकते हो पूरा रास्ता सुनसान है, आगे पीछे कोई नहीं है, देख लो आप यहाँ से मतलब रास्ता है पर रास्ता सुनसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। तो दोस्तों जो ये बाढ़ है ना, यहाँ से जो ये बाढ़ जा रही है ना सीधी आगे तक, तो ये पूरी हमारी है वहाँ तक घर तक, तो ये इसके अंदर हमारा घर है।
तो ये बाढ़ जाती यहाँ से सीधी सीधी रास्ते के साथ साथ। दोस्तों मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ घर की ओर, घर चलता हूँ। तो थोड़ी देर पहले मौसम खराब हो गया था, एकदम ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, पर बारिश रुक गई, हवा इतनी तेज चल रही यहाँ पे। मैं घर पहुँचने वाला हूँ, ये देख लो घर आ गया मेरा, यहाँ पे मम्मी खड़ी हो मेरे इंतजार में। मुझे अभी भात बनाना, चावल बनाना, भात बनाऊंगा इसलिए मेरा इंतजार हो रहा है यहाँ पे। तो देख लो भाई भूख लगे, मैं तो गया था कहीं बाहर घूमने के लिए, तो मम्मी यहाँ पे खड़ी हो रहा कि कह रही भूख लगे तो इतनी देर लगा दी। तो दोस्तों ये घर आ चुका है, मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। तो भाई मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, अभी थोड़ी देर बारिश हुई थी तो भीग गए थे सारे, मम्मी घर पे पता नहीं चली गई थी इधर उधर, तो कपड़े सारे भीगे थे, सारे कपड़े भीगे थे, तो मैंने सुखाने डाल दे, ये देख लो सब भीगे थे यहाँ पे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आसमान ऐसा हो गया था कि आज थोड़ा कपड़े कुपड़े भीगे, उतने तक हुआ कि हमारे कपड़े सारे भीगा दे, देख लो सारे कपड़े भिगा दे, उसके बाद बारिश हो गए बंद, फिर से धूप लग गई। दोस्तों दिन के बज रहे हैं 2 और हम कर रहे हैं लंच, अभी आए मैं वहाँ से घूम के आया था, तो थोड़ी देर मैंने कपड़े सुखाए, उसके बाद हम लंच कर रहे हैं मम्मी और मैं, तो हमारा लंच यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं धूप में बैठ के खा रहे हैं छत में, गाँव की धूप लग रहा कि देख लो आसमान कभी काला हो रहा कभी गोरा हो रहा, यहाँ से धूप लग रही। तो दोस्तों हम करते लंच, आप भी करें लंच, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों शाम के हो रहे 4:30 और शाम के लिए हम सब्जी के लिए आ रखे हैं खेत में, तो खेत में थे पिंडालू अरबी। तो शाम के लिए हम सब्जी के लिए लाए अरबी, तो ये है अरबी। दोस्तों हमारे खेत में इतना बड़ा कद्दू लग रखा था, मैंने इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अरे दोस्तों देख लो गाँव में कितना सुंदर कुत्ता रहता, हस्की जैसा कुत्ता है। आ जा शेरू, भाग गया भाई, भाग गया, नाराज हो गया। तो दोस्तों अभी खाना बना रहा हूँ, मैं अभी खाना था नहीं इसलिए वो भाग गया बेचारा, अगली बार आना मैं बना कर रखूँ तेरे नाश्ता। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30 और हमारा यहाँ पे अपने लिए डिनर की तैयारी चल रही, यहाँ पे चूल्हे पे आज अंगेठी पे खाना बना रहे, अरबी लाया था मैं खेत से, तो अरबी की सब्जी बनाते शाम के लिए। भाई लोग आजकल शाम को ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कपड़े सपड़े पहन के रखने पड़ते, पहाड़ों की हवा एक बार शरीर में बैठ गई तो आदमी खड़ा नहीं उठ पाएगा भले कितना भी बड़ा पहलवान हो। दोस्तों सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसमें टमाटर डाल दे मैंने, टमाटर को मैं अच्छे से बनाऊंगा यहाँ पे, इसके बाद सिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें डाल दे मैंने मसाला, इसको पकाने के बाद डाल दो इसमें अरबी। तो दोस्तों मैंने इसमें पिंडालू डाल दिया, मतलब यानी अरबी डाल दी। अब देख लो आप ये हो गया हमारा, यार ये तो बड़े झकास लग रहा है, मन तो कर रहा है इसे खा लो पर नहीं सब्जी बनाने की। तो दोस्तों है ना देखने लायक चीज़ है मेरी वाली डिश, यार मैं बनाता हूँ कुछ भी तो झकास बना दो भाई। तो दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने अब पानी, अब इसको बनाऊंगा मैं तरी वाला। तो दोस्तों अंधेरा बहुत हो चुका है, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो बाय बाय। खेत में हल लगाने आ रखे यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे, तो भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा है हमारा, छोटा भाई है हमारे गांव का।